स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे कि आपकी बुक्स रीडिंग की हैबिट आपको हजारों लाखों रुपए कमा के दे सकती है। तो बच्चे, आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो YouTube प्लस और भी कई ऐप से आपको अर्निंग दे सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि बुक रीडिंग की हैबिट जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में होती ही है, तो वहां से भी अर्निंग कैसे हो सकती है उस चीज पे हम बात करेंगे। तो बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो आपको जीने का सलीका दिखाती हैं। मेरे हाथ में एक किताब है, सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड। ये किताब बहुत अच्छी है, हिंदी में है, इंग्लिश में भी इसका वर्जन मिल जाता है। एक किताब आती है रिच डैड पुअर डैड। तो ये ऐसी किताबें हैं जो आपको अर्निंग यानी कि पैसा कमाने बताती है। तो अगर मैं ये बोल दूं, क्या इन किताबों को पढ़ने से आप लखपति बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे, या फिर आपके पास में हजारों की इनकम आ जाएगी? आप बोलोगे नो, तो मैं भी बोलूंगी नो। तो इसको करने से, सिर्फ पढ़ने से नहीं, इंप्लीमेंट करने से। अब आपने किसी भी बुक की थ्योरी पढ़ी, जैसे रिच डैड पुअर डैड की, बहुत सारे लोग जो है वो यूट्यूब पे इस बुक को सर्च करते हैं, ठीक है। उन्होंने बुक्स को सर्च किया। अब रिच डैड पुअर डैड बुक ऐसी है जहां से आप अर्निंग के सोर्स सीखते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, अर्निंग जो है वो कैसे कर सकते हैं, आप अपने माइंड को इस टाइप से कैसे डेवलप कर सकते हैं कि आप अर्निंग बहुत बेहतरीन कर सके। और भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। आपने क्या किया, यूट्यूब पे उसकी आपने बुक पढ़ी, आपने बुक अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप उसकी समरी डालेंगे यूट्यूब पे। जब आप समरी डालेंगे तो यूट्यूब एडसेंस से आपको अर्निंग होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसकी एक ऑडियो क्लिप बना लेते हैं और आप उसको एडवर्टीजमेंट कर सकते हो कि हाँ जी, अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं, सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड, अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मिलीनियर माइंड जो है वो कैसा होता है, तो मैंने इसकी पूरी की पूरी जो समरी है वो बना रखी है, ऑडियो समरी बना रखी है। आप इसको सुन के अच्छे से इस किताब को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप इस ऑडियो बुक को परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने उस बुक का जो प्राइस है वो रखा 50 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए, ठीक है। अब आपकी वीडियो को कम से कम 50,000 लोगों ने देखा, और ये वीडियोस बहुत चलती है, आपकी वीडियो को कम से कम 50,000 लोगों ने देखा, 50,000 में से अगर 100 लोग भी आपकी बुक को परचेज करते हैं, ऑडियो बुक को परचेज करते हैं, तो भी आप देखिएगा कितने रुपए आए, है ना। तो उसी हिसाब से ये इस चीजें से, और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो खत्म नहीं होती। अब आपने इसको करके छोड़ दिया तो ये हमेशा आपको इनकम देती रहेगी, कोई ना कोई परचेज करता रहेगा, ठीक है। ये एक सैलरी नहीं है कि आपको इस महीने की मिल गई, ठीक है जी, इस महीने का खाता खत्म। आपने इस महीने में काम किया तो नेक्स्ट महीने भी आपको पिछले महीने की अर्निंग जो है वो मिलती रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी बुक्स भी, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक बहुत ज्यादा फेमस है, या लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक बहुत ज्यादा फेमस है जीके की, तो उसकी भी समरी बनाकर स्टूडेंट्स में सेल कर सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ेगी और स्टूडेंट्स को उसके बदले में, मतलब कि आप एक अच्छा डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने काम के प्रति अगर लॉयल रहेंगे तो रियलिटी वाली बात है कि ये आपको बहुत कुछ कमा के देगी, पैसे के साथ साथ इज्जत भी। तो इस टाइप से आप बहुत अच्छे से बुक्स रीडिंग की हैबिट से भी अर्निंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।